हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौड़ी एजुकेशन। आपने एकदम सही वीडियो में क्लिक करा है, क्योंकि आपको जानना है सी इंटरमीडिएट न्यू कोर्स के रिगार्डिंग में। जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई 2023 ऑनवर्ड जो है इंस्टीट्यूट ने न्यू कोर्स इंप्लीमेंट कर दिया है। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, आपके सारे A to Z डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो के इफेक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक किए बच जाइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपकमिंग अटैम्प्ट में कौन से सी इंटरमीडिएट अटैम्प्ट में एग्जाम्स देने जा रहे हैं। और अब वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो आप थैंक यू चौड़ी एजुकेशन भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेगा, क्योंकि यूट्यूब में एक मात्र चैनल है चौड़ी एजुकेशन जो आपको जेन्युइन अपडेट्स प्रोवाइड करवाता आ रहा है। तो सी इंटरमीडिएट कोर्स में आप जो है 2 रूट्स से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फाउंडेशन रूट से या तो डायरेक्ट एंट्री रूट से। फाउंडेशन रूट से तो आपको पता ही है कि आपने फाउंडेशन रूट से CA कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा, फिर आपने CA फाउंडेशन कोर्स को क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद आप जो CA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सेकंड रूट है डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट का मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम में करी है तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपने अदर देन कॉमर्स स्ट्रीम बेसिकली साइंस और आर्ट्स से करी है तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने CA में इंटरमीडिएट कोर्स कंप्लीट कर रखा है, CS एग्जीक्यूटिव कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो भी आप जो है CA इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट वाले स्टूडेंट जो है CA कोर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सो अगर वो लास्ट ईयर में भी अपनी ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी वो CA इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू, लेकिन उसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होगी, मार्कशीट प्रोवाइड करवा दी होगी और आपने 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड जो है कंप्लीट कर लिया होगा। और एग्जामिनेशन देने के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे, जैसा कि मैंने कहा, जब आपने अपनी मार्कशीट अपलोड कर ली हो विदिन 6 मंथ्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। तो आपकी मार्कशीट अपलोड हो जानी चाहिए तभी आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। बात करें कि आपकी कट ऑफ डेट और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। अब बात करते हैं सी इंटरमीडिएट की कट ऑफ डेट्स के रिगार्डिंग में। बेसिकली आपकी रजिस्ट्रेशन की क्या लास्ट डेट रहती है, तो आपको पता ही होगा कि आपके सी इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन जो है 3 टाइम्स इन ईयर कंडक्ट करवाए जाते हैं, मई, सितंबर और जनवरी अटैम्प्ट। तो मान लीजिए अगर आपने करंट ईयर में 1 मई के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, लेकिन 1 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो आप जो है नेक्स्ट ईयर में मई अटैम्प्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने करंट ईयर में ही 1 सितंबर के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर के 1 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आप जो है नेक्स्ट ईयर में सितंबर अटैम्प्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मान लीजिए अगर आपने नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया और नेक्स्ट ईयर में ही 1 मई के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आप जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जनवरी अटैम्प्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो होप करता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा रजिस्ट्रेशन और कट ऑफ डेट्स के रिगार्डिंग में। बात करें कि आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस क्या रहने वाली है, तो आपके सी इंटरमीडिएट कोर्स की रजिस्ट्रेशन की फीस रहती है 18,000 रुपीज़, जिसमें आप ये क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं कि आपसे किस चीज़ के लिए कितना अमाउंट चार्ज किया जाता है। और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को जो है 75% फी कंसेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जो अपनी स्क्रीन के सामने आप पढ़ सकते हैं। बाकी बात करें कि आपको स्टडी मटेरियल प्रोस्पेक्टस कैसे मिलेगा, तो जैसे आप सी इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, इंस्टीट्यूट जो आपको आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी में लॉगिन क्रेडेंशियल सेंड करता है CDS पोर्टल का, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो स्टूडेंट CA फाउंडेशन रूट से रजिस्टर्ड होते हैं उनके पास तो पहले से ही होता है, लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको ऑब्वियसली न्यू प्रोवाइड करवाया जाता है। और आपको बुक्स के लिए कुछ भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिलता है जब आप लॉगिन कर लेते हैं, तो आपको जब ऑर्डर करेंगे तो अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, तो उसके थ्रू आपका जो अमाउंट 0 हो जाता है। बुक्स कैसे ऑर्डर करते हैं उसका वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो आपका ये भी डाउट रेज होगा कि आपके सिंगल ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप सिंगल ग्रुप के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप जो CA इंटरमीडिएट कोर्स के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और CA इंटरमीडिएट कोर्स का मतलब है कंप्लीट आपके बोथ ग्रुप्स, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट रहता है और आपका जो एग्जाम फिलिंग का प्रोसेस रहता है वो डिफरेंट रहता है। बेशक आपने जो है CA इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाया बोथ ग्रुप में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बोथ ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाया तो आपको बोथ ग्रुप के एग्जामिनेशन ही देने पड़ेंगे। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको बोथ ग्रुप के एग्जामिनेशन देने हैं, आपको ग्रुप 1 का एग्जाम देना है, आपको ग्रुप 2 का एग्जाम देना है। तो आपने कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाया है सी इंटरमीडिएट में, लेकिन जो ग्रुप का देने का डिसीजन है वो आपके एग्जाम फॉर्म से डिसाइड होता है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करिए आपके कितने पेपर रहते हैं सी इंटरमीडिएट कोर्स में, तो आपके टोटल 6 पेपर रहते हैं, ग्रुप 1 में 3 पेपर्स, ग्रुप 2 में 3 पेपर्स, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 में आपके 2 सबसेक्शन रहते हैं जो ईच 50 मार्क्स के रहते हैं। बात करें आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग में, तो आपके जो 100 मार्क्स का पेपर रहता है उसमें 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहते हैं और 30% केस सिनेरियो केस स्टडी बेस्ड MCQs, और आपके जो MCQs रहते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। बात करें आपके पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, तो आपके इंडिविजुअल पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए और
एग्रीगेट में मिला के आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हो। अब सी इंटरमीडिएट कोर्स में एग्जेम्पशन क्या होता है, अगर आपके किसी पर्टिकुलर पेपर में 60% मार्क्स और मोर होते हैं तो वो पर्टिकुलर पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स के लिए। बेसिकली आपको वो पर्टिकुलर पेपर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर पेपर में अपेयर हो गए एग्जेम्पशन होने के बाद भी तो आपकी एग्जेम्पशन उसी टाइम लैप्स होकर जाएगी। और जो पर्टिकुलर पेपर आपका एग्जेम्प्ट रहता है तो आपको रिमेनिंग पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने इंडिविजुअल पेपर में और एग्रीगेट में मिला के 50% मार्क्स लेके आने होते हैं, जो कि मैंने आपको अभी पासिंग क्राइटेरिया में बताया। लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट ने एक न्यू रूल और एड ऑन किया है। मान लीजिए आपकी 3 अटेम्प्ट्स के बाद एग्जेम्पशन लैप्स कर गए एक पर्टिकुलर पेपर में, लेकिन आप उस एग्जेम्पशन को कैरी फॉरवर्ड और करना चाहते हैं, आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यस आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको जो है रिमेनिंग पेपर्स में पहले 40% मार्क्स लेके आने पड़ते थे मिनिमम, अब आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे और ऑब्वियसली बात है एग्रीगेट में 50% मार्क्स। अब आपने जो ये 18,000 rupees पे करे है क्या उसकी वैलिडिटी रहती है? सो आंसर इज यस, उसकी वैलिडिटी रहती है 5 years की। जब आप SSP पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो टॉप राइट में एक टैब होगा, उसमें आपकी वैलिडिटी भी लिखी रहेगी, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उससे लेके 5 years तक। अगर मान लीजिए आपकी वैलिडिटी एंड हो गई 5 years की तो आप चाहे तो उसे रीवैलिडेट भी करवा सकते हैं 400 rupees पे कर, लेकिन वो जो रीवैलिडेशन है वो सिर्फ वंस टाइम ही अलाउ होगा। इसका मतलब आपको नेक्स्ट 5 years के लिए वैलिडिटी मिल जाएगी और उसके बाद आप रीवैलिडेट नहीं करवा पाएंगे सी इंटरमीडिएट कोर्स में। अब बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग में। तो इसमें एक न्यू चेंज भी आया है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके सी इंटरमीडिएट कोर्स कंप्लीट हो चुका हो। सी इंटरमीडिएट कोर्स का मतलब चाहे आपका ग्रुप 1 का एग्जाम हो चाहे आपका ग्रुप 2 का एग्जाम हो, दोनों आपके क्वालिफाई हो और आपने जो है अपनी ICAT कंप्लीट कर ली हो। पहले के टाइम में अगर स्टूडेंट एक ग्रुप भी क्लियर कर लेते थे तो वो अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन अब वो रूल नहीं है। इसलिए डायरेक्ट एंट्री रूट में भी आप देखेंगे तो आपको एग्जामिशन से पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ड्यूरेशन की बात करें तो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ड्यूरेशन रहती है 2 years की, जिसमें से आप जो है 9 से लेकर 12 months की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इसमें जो आपको 12 लीव्स ईच ईयर भी परमिटेड है, बेसिकली आपको 24 लीव्स आप ले सकते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में 2 years के। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले जो आपको ICITSS भी कंप्लीट कर लेना होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। अब ये कोर्स क्या है इसके रिगार्डिंग में आपको डिटेल वीडियो YouTube में मात्र इसी चैनल में देखने को मिल जाएगी। वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ICITSS के रिगार्डिंग में। बाकी इस वीडियो में जो PDF यूज़ किया गया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं चैड एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज पिन कमेंट। चैड एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको जो है MTP RTP पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट जर्नल अपलोडेड मिल जाते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के साथ। तो ये थी कंप्लीट डिटेल वीडियो सी इंटरमीडिएट कोर्स के रिगार्डिंग में, होकर तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो के फैसले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि वीडियो आपको कैसे हेल्पफुल लगी। चैनल में अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेगा, क्योंकि YouTube में मात्र चैनल है चैड एजुकेशन जो आपको जेन्युइन अपडेट्स प्रोवाइड करवाता आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।